समस्त मातृ शक्तियों, भाई बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण। गज लक्ष्मी महालक्ष्मी जी का व्रत रखने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। व्यक्ति के पास धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है और व्यक्ति अमीर भी बन जाता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में गज लक्ष्मी महालक्ष्मी जी का व्रत कब रहेगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी को समर्पित 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो चुके हैं। यह व्रत भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि से आरंभ होकर के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलते हैं। इस साल यह व्रत 3 सितंबर 2022 से आरंभ होकर के 17 सितंबर 2022 तक रहेंगे। महालक्ष्मी व्रत का आखिरी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आखिरी दिन आपको माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा आराधना आदि करना चाहिए। तो इस दिन अनुष्ठान, व्रत, उपाय और टोटके आदि भी किए जाते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से व्यक्ति अमीर बनता है, उसे बेशुमार धन दौलत और यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। लिहाजा 17 सितंबर को महालक्ष्मी जी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और इस दिन विधि विधान से श्रद्धापूर्वक माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करना चाहिए। वैसे तो महालक्ष्मी व्रत 16 दिन के होते हैं और यह पूरे व्रत किए जाते हैं। इस दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और आखिरी दिन यानी 16वें दिन उद्यापन किया जाता है। लेकिन जो लोग 16 दिन के व्रत नहीं कर पाते हैं, वे आखिरी दिन महालक्ष्मी जी का यह व्रत रख सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आखिरी के 3 दिन व्रत अवश्य करें। महालक्ष्मी व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें और इस व्रत का संकल्प लेवें। तो बेहतर होगा कि इस दिन लाल रंग के वस्त्र ही आप पहने। इसके बाद शाम के समय शुभ मुहूर्त में अपने पूजा स्थल की सफाई करके एक पटले के ऊपर लाल वस्त्र बिछावें, फिर केसर मिश्रित चंदन से पटले के ऊपर अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर अक्षत रखें और जल से भरा हुआ एक कलश रखें। कलश में आम या अशोक के पत्ते रखें, श्रीयंत्र रखें, दक्षिणावर्ती वर्ती शंख रखें और उसे उनको विराजित करके साथ ही हल्दी से कमल बना करके उसके ऊपर हाथी पर बैठी हुई माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को रखें। माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने चांदी के सिक्के रखें, कोड़ी रखें, उन्हें कमल के पुष्प, अक्षत, चंदन, लाल सूत, सुपारी, नारियल अर्पित करें। इस दिन माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों की पूजा आराधना करना चाहिए, अष्ट लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी जी को सफ़ेद रंग की मिठाइयां जैसे खीर, मेवे की मिठाई का भोग अर्पित करें। इस दिन विशेष करके माता लक्ष्मी जी को अनार का फल और फूल भी आप चढ़ा सकते हैं और लाल रंग का श्रृंगार आप अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। तो मान्यता ऐसी है कि इस व्रत का पूरा फल व्यक्ति को तभी मिलता है जब वह महालक्ष्मी जी की व्रत कथा को सुनता है। लिहाजा महालक्ष्मी व्रत करें तो इसकी व्रत कथा जरूर पढ़ें अथवा सुनें और आखिरी में गाय के शुद्ध घी के दीपक से माता लक्ष्मी जी की आरती उतारें और सभी को प्रसाद वितरित करें। तो श्रद्धापूर्वक माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात एकाग्रता पूर्वक गज लक्ष्मी जी की इस व्रत कथा को अवश्य सुने, जिससे इस व्रत का पूरा पूरा फल मिलता है। कथा इस प्रकार से है। एक समय महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर के महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए और सोने के सिंहासन पर विराजित करके उनका पूजन अर्चन किया गया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछा कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बतलाइए जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र, पौत्र आदि व परिवार पूरा सुखी रहे। इतना सुनकर के वेदव्यास जी कहने लगे
हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर के सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत होता है, इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की आप कृपा करें। तब व्यास जी कहते हैं कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनावे, उसमें 16 गठान लगाना चाहिए और हल्दी से पीला इसे करना चाहिए। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं के डोरे को चढ़ाएं और आश्विन कुंवार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रख करके मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को विराजित करके विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का पूजन व्रत आदि करने से आप लोगों को राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बतला करके श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों के साथ व्रत आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन व्यतीत हो गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई, साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलवाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर के वह बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देख करके पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों बैठी हो? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुलवा लिया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनवाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के लिए यहाँ के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर के अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा भेज दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के एरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से एरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का एरावत हाथी पृथ्वी पर उतार करके पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर के नगर के सभी नर नारी बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई तो वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर के कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने एरावत को खड़ा करके अनेक रंगों के चौक पुरवा करके नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला अबीर गुलाल केसर हाथों में लिए हुए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से एरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। तो एरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी एरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर गुलाल केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ा करके उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित के द्वारा एरावत पर महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्र उच्चारण के द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर के एरावत को खिलाए गए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित के द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं के द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन करवाया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ा करके अपने अपने हाथों में सभी ने बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया। दक्षिणा के रूप में सोने के आभूषण और वस्त्र आदि सभी को दिए गए। उसके पश्चात महिलाओं ने मिलकर के मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन करके संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी का जागरण भी किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित के द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर एरावत को विदा करके इंद्रलोक को भेज दिया गया। तो इस प्रकार जो स्त्रियां
श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं। उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में माता लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोलना चाहिए। स्तुति इस प्रकार से है, इस स्तुति को एकाग्र मन से हाथ जोड़ करके बोलना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। तो इस दिन पूजा करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करने से देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।